आज उस दिनांक का एक टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम है नाउन और जेंडर। क्या नाम है इसका? नाउन जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? नाउन, नाउन जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस होती है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस का नाम हो सकता है या कॉमन करके नाम हो सकता है, इसलिए प्रॉपर नाउन भी होता है और ये कॉमन नाउन भी होता है ना। तो जो प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन है तो उनका जेंडर भी होता है। जेंडर दैट डिटरमाइंस द सेक्स, सेक्स ऑफ नाउन, नाउन वेदर इज मेल और फीमेल। या एक ऐसा नाउन है जो मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जो है चीजें क्या कहलाती है? जेंडर कहलाते हैं। जेंडर न्यूट्रल, जेंडर नर्सरी। कभी कभी होता है कि हमने देखा है कि न्यूट्रल जेंडर, यहां पर क्या होता है, एक जेंडर और है, बच्चा है, बच्चे के लिए सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, दे डोंट एक्सपोज, दे डोंट टेल अबाउट द एग्जैक्ट जेंडर ऑफ द बेबी। तो वो क्या करते हैं, उसे जो है वो न्यूट्रल जेंडर बेबी करके जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि वहां पर जो है उन्होंने ये बताया नहीं मेल है फीमेल। तो नाउन जब होता है तो नाउन का एक जेंडर हो सकता है, वो जेंडर हम इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। और जेंडर जो है वो बताता है कि नाउन मेल है फीमेल है, या कुछ नाउन ऐसे हैं जो दोनों के लिए आते हैं, या कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें ना मेल, जो ना मेल हो सकते हैं ना फीमेल हो सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइफलेस। जब लाइफ होगी तभी तो जेंडर होगा। तो हमने पढ़ा क्या जेंडर का मतलब, जेंडर करता क्या है, जेंडर जेंडर डिपिक्ट्स whether whether the noun is male or female or used for both or lifeless। जेंडर का काम ही होता है कि नाउन का क्या करना, नाउन का सेक्स डिटरमिनेशन कि वो मेल है फीमेल है, या एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये एक ऐसा वर्ड जो ना मेल है ना फीमेल है क्योंकि वो लिविंग है। तो ये चीजें किसके लिए, लिविंग के लिए। इसलिए जेंडर के टाइप्स होते हैं हमारे पास। जेंडर चार तरीके का होता है। पहला जेंडर होता है कौन, मैस्कुलाइन। ये वो जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या होता है, ये मेल बताता है, क्या बताता है, मेल। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर क्या करेगा, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन एन आई एन आई एन ई, फेमिनाइन जेंडर, एंड दैट टेल्स अबाउट किसके बारे में, फीमेल के बारे में। फिर आता है कौन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का काम है, कॉमन जेंडर जो है वो क्या करेगा, ऐसे वर्ड्स बताएगा जो मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट 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 द क्वालिटी ऑफ द पर्सन कि वो मेल एंड फीमेल दोनों है, नहीं, एक ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, राइट। एंड लास्ट वन है जिसे हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। कौन सा, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है कौन सी चीजें, लाइफलेस थिंग्स। क्या होंगे इसमें, लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस थिंग्स का मतलब क्या हुआ कि वो चीजें होंगी जिनकी, जिनमें लाइफ नहीं होती, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन हम जब इसे पढ़ेंगे, जब हमारे एग्जाम में जो आता है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आता है। नेक्स्ट, हमने बात की, हमने सीखना क्या है इसके अंदर, हमें यह सीखना है कि मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर को बदलने के कुछ रूल्स हैं। सम रूल्स देयर आर, कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स से हम क्या करेंगे, मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदलते हैं। और इसमें सबसे पहला रूल है नो रूल, रूल नंबर वन। और रूल नंबर वन क्या है, नो रूल।
रूल नंबर वन, नो रूल है, यानी इसमें कोई रूल ही नहीं है बदलने का। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम याद कर लेते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए जैसे जैसे जो है मैंने कहा बोए, बोए का फेमिनाइन क्या होगा, गर्ल, फादर का मदर, ज्यादा वर्ड्स तो ऐसी वाले जी सर, है ना, कॉक का हैन, ब्रदर का उसका है, ब्रदर का सिस्टर, एंड इस तरीके के वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। अच्छा रूल नंबर टू है इसका, और रूल नंबर टू में है आपने ई डबल एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ई डबल एस, ई डबल एस जोड़ोगे तो कैसे होगा, जैसे मैंने कहा लो एंड, लो एंड में क्या होगा, लो एंड ई डबल एस एस, लो एंड एस, ये लॉयनेस जो है वो क्या हो गया, लॉयन एंड लॉयनेस, लॉयन हो गया शेर एंड वो शेर भी, ऐसे क्या है पोएट। अच्छा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पोएट इज नॉट पोएट, इट्स अ पोएट, ठीक है, एंड दिस इज पोएम एंड दिस इज पोएट, राइट, द पोएट का क्या होगा, पोएटेस, क्या होगा, पोएटेस। रूल नंबर थर्ड देखें, रूल नंबर थर्ड, और उसमें क्या होगा, अब जो है ना आपने ई डबल एस नहीं जोड़ना, आपने हाँ जोड़ना, ई डबल एस जोड़ना है, ई डबल एस जोड़ना है, लेकिन आपने किसी उस वर्ड के अंदर से कोई वाउल है उसे ड्रॉप करना है। कैसे होगा, जैसे आपने क्या करना है, और स्पेसिफाइड वाउल को, किसी भी वाउल को ड्रॉप करना है, करेक्ट ना, दिस इज रूल नंबर थ्री। हाँ टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, आपने इस ई को ड्रॉप करना है, क्या हो जाएगा, टी आई जी आर सर, ऐसी एक्टर्स में होगा क्या, हाँ क्या हो गया, ऐसी उसमें होगा, क्या होगा, टाइगर में टी आई जी आर हो गया, अब उसके आगे मैंने क्या जोड़ा, ई डबल एस, वोवेल हटा दिया। एक और रूल है इसमें, जैसे हमने कर दिया एक्टर, एक्टर का क्या होगा, ए सी टी ओ हटा दो आर, और उसमें ई डबल एस जो एक्ट्रेस, क्या हो गया, टिग्रेस एक्ट्रेस, करेक्ट। यहां पर हमने क्या सीखा, पहला रूल हमने सीखा नो रूल, इसका कोई रूल नहीं, आप एक वर्ड ना इसका, सॉरी नेफ्यू का नीस, अंकल का आंट, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, अंकल का आंट हो गया, पैटर्नल का मैटर्नल हो गया, सारे पापा की तरफ वाले रिश्तेदार पैटर्नल, मम्मा की तरफ वाले रिश्तेदार मैटर्नल, मामू मासा खालू, ये सारे चीजें, ठीक है, तो मैटर्नल और पैटर्नल, पैटर्नल पापा की तरफ वाले, मैटर्नल माँ की तरफ वाले, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर, बस। तो इस तरीके से क्या है, क्या बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होता है, वैसे चेंज हो जाते हैं, फादर का मदर हो गया, है ना। फिर हमने सीखा ई डबल एस जोड़ना, वेरी कॉमन, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम ई डबल एस जोड़कर हम जेंडर चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जहां पे क्या होता है, ई डबल एस तो जोड़ते हैं लेकिन उससे पहले कोई वॉवल जो है उसको क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये वाला हो गया। अगला रूल बताओ कौन सा है, प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज बदलते हैं, करेक्ट। सही, क्या हो जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने यहां पर क्या किया, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का क्या हो जाएगा, फादर का क्या होगा, मदर इन लॉ, करेक्ट। यहां पर आ गया जैसे अब ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, करेक्ट। अच्छा यहां पर आ गया देखो, एक और वर्ड आ गया जैसे स्टेप सन, क्या हो गया, स्टेप सन, स्टेप सन का क्या होगा सर, कमांडर इन चीफ का भी, यस, स्टेप इन, स्टेप डॉटर, नहीं कमांडर इज द कॉमन, स्टेप सन का स्टेप डॉटर,
और बताओ पीकॉक, पीकॉक का पी है, ही बफेलो, हाँ बहुत सारी बफेलो, शी बफेलो और जैक एस, जैक एनी, जैक एस का जैक एनी, आई हैव इंक्लूडेड माय बुक, जैक एस का क्या हो गया जैक एनी। अच्छा ये तो हो गए वो वाला जिसमें हमें जेंडर दिखाई देता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जेंडर हमें दिखाई नहीं देगा, उनमें जेंडर हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है ना वो मेटाफोरिकल हो जाता है। लाइक देखो मेटाफोरिकल जेंडर कौन सा, मेटाफोरिकल जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन नॉट बाय बायोलॉजिकल और सेक्स डिटर्मिनेशन बट बिकॉज ऑफ सम, किसकी वजह से, सम ट्रेट्स, सम प्रॉपर्टीज। यहां पर जो डिटर्मिनेशन होगा वो किसी प्रॉपर्टीज की वजह से होगा, किसी ट्रेड्स की वजह से होगा, उनके गुण उनकी खूबियों की वजह से होगा। जैसे हम बात करें एंड दैट्स वेरी अनएक्सेप्टेबल बट दैट्स वेरी ट्रू, क्या वो चीजें जो हार्श हैं, जो हार्ड हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो चीजें जो हैं वो डिफिकल्ट होती, वो चीजें जो स्टोइक मानी जाती है, कोई असर ना पड़े, वो चीजें जो सडिस्टिक हैं, जो दूसरों को दुख देकर खुश हो जाए, ऐसी सारी चीजें वेरी सेल्फुल, बट इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, इन सारी चीजों को मैस्कुलाइन माना जाता है। इसीलिए माउंटेन जो है वो क्या है, मैस्कुलाइन। समर विंटर सब तकलीफ देने वाले, रेनी सब जो है उसमें उसमें आगे नहीं थे, सन जला कर रख देता है वीनो, और इस महीने में तो ऐसा लगता है ये और भी ज्यादा डबल वाला मैस्कुलाइन हो जाएगा। एंड वो सारी चीजें जो सॉफ्ट है, वो सारी चीजें जो डेलिकेटेड है, डेलिकेसी के साथ है, वो सारी चीजें जो स्वीट है, वो सारी चीजें जो हम्बल है, वो सारी चीजें जो लवली है, वो सारी चीजें जो जेनरस हैं, इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, इन सारी चीजों को फीमेल माना जाता है, करेक्ट। इसीलिए जो चांद, चांद जो मामा है वो इधर इधर मासी है, तो मून जो है वो किसमें आएगा, मून जो है उसमें है फीमेल में आएगा, मून हो गया या स्प्रिंग है या अर्थ है, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें किसमें आती है, फेमिनाइन में आती है। अगर कुछ और ये बुक से है हमारे कुछ जो है जेंडर्स के नाम, जैसे हमने दूसरा रूल पढ़ा था कौन सा वाला है, प्लस ई डबल एस, तो पेज नंबर है इसका 102, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 और उसमें लिखा है नाउन द जेंडर। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिखे हैं, बट हाँ मैंने कुछ बहुत यूजफुल वर्ड्स लिखे हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो क्या है कि वो पहला रूल था हमारा जिसमें वर्ड का कोई रूल नहीं होता, उसमें मैंने लिखा है बॉय का गर्ल,
फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, डॉग का बिच, मैन का वूमन, सन का डॉटर, हॉर्स का मैन MAR और फॉक्स का विक्सन। ठीक है, फॉक्स हमें लोमड़ी, तो मैं ऐसा लगता है लोमड़ी खुद जो है वो फीमेल है, लेकिन नहीं, फॉक्स मेल है और उसका फीमेल होता है विक्सन। अगला ESS ऐड करने वाला जो है उसमें देखो, लॉयन का लॉयन एस, पॉइंट का पॉइंट एस, आयर का HEIR आयर, आयर का ना उत्तराधिकारी उसका हो जाएगा IRS, काउंट नवाब को कहते हैं इन इंग्लिश काउंटेस, जायंट का शैतान है, विशाल का है उसका जायंटेस हो जाएगा। रूल नंबर थ्री क्या है, एक वर्ड ऐसे भी कुछ वर्ड है जिनमें आखिर में ई है, तो उसमें हम ESS नहीं बल्कि सिर्फ एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, सिर्फ डबल एस जोड़ते हैं। जैसे वर्ड हो गया क्या, प्रिंस, क्या हो गया, प्रिंस, प्रिंस में आप देख रहे हैं क्या है लास्ट में ई, तो आप क्या करोगे इसका जो है जेंडर चेंज करने के लिए प्रिंसेस, क्या हो जाएगा, प्रिंसेस, सिर्फ डबल एस जोड़ा ना कि ई डबल एस। कुछ ऐसे भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है जिनमें जो है ड्रॉप होता है, टाइगर का टिग्रिस, एक्टर का एक्ट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। देखो मास्टर जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, मास्टर में थोड़ा सा एक और चेंज है, मास्टर में एक ही जगह पे आई हुआ है, फिर यहाँ पे ई गायब होकर फिर ई डबल एस लगा है, करेक्ट ना, मिस्ट्रेस। ऐसे ही फाउंडर का फाउंड्रेस, टेम्प्टर का टेम्प्रेस, टेम्प्टर कौन होता है, टेम्पटेशन का टेम्प्ट का ना ललचाना, टेम्पटेशन लालच और टेम्प्टर ललचाने वाला। फिर वर्ड आता है सम यूनिक वे टू चेंज मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, ये बहुत अच्छा है, ड्यूक, देखो ड्यूक एक ऐसा वर्ड है जिसमें ड्यूक में जो है कोई रूल नहीं लगता, यहाँ पे जो क्या लगेगा, डचेस, तो ड्यूक का कौन होता है, फीमेल कौन होता है, डचेस होता है, नवाब का नवाब, नवाब नहीं वो डक, ये ड्यूक, ये ड्यूक ड्यूक नवाब, ये ना ऐसा ऐसा, ये क्या होता है, एक रैंक होता है, राजा एम्परर है राजा, फिर काउंट, फिर कौन, ड्यूक, ऐसे ना बहुत सारे जो है क्या होते हैं, हमने बहुत सारे पढ़े, बैरन वगैरह ये सब उसमें आते हैं। सुल्तान का सुनो मार्क्विस, ये मार्शनेस होता है, किसी जगह का बड़ा जमींदार मार्क्विस कहलाता है। मर्डरर का मर्डरेस होता है, सॉर्सरर जादूगर का सॉर्सरेस होता है, हीरो का हीरो का हीरोइन होगा, सुल्तान से सुल्ताना बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का बनेगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बनेगा, एंड एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स बनेगा, और सी जेड ए आर जार बोलते हैं सा, और उसका जरीना बनता है सी जेड ए आर आई एन ए, जैक एस का जेनी एस बनता है, एंड जैक एस का जेनी एस, ड्रोन का बी बनता है, बुलक का हाइफर बनता है। ठीक है, इस तरह के जो है ये बहुत सारे जो है और ये याद करने वाले हैं। बक, बक से बनेगा क्या, डो, हार्ट का रो, फ्रायर का नन, स्वयं देहाती को कहते हैं तो निम्फ होता है इसका, एम्बेसडर होता है एम्बेसडर्स होगा, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर्स होगा, टॉम कैट से बनेगा टैबी कैट, क्या बनेगा, टैबी कैट, चेयरमैन का चेयरपर्सन बनेगा, बिली गॉट का नैनी गॉट बनेगा। यहाँ पे देखो कुछ नाम हमने तो चेंज किए, देखो कौन सा, जैक एस, तो एस तो एस रहेगा लेकिन इसकी जैक की जगह पे एनी बढ़ आ जाए, तो जैक से क्या बनाना है, एनी, याद रखना बहुत सारे नामों में ऐसा होता है जैक और एनी लगा होता है, तो अब जब भी जैक बढ़ आएगा तो जैक का क्या बनाओगे, एनी कर दोगे। इसी तरीके से जो हमने पढ़ा टॉम, टॉम जो है ना, टॉम से क्या बनता है, टैबी, क्या बनता है, टैबी, तो बताओ टॉम जब भी आएगा तो आप उसकी जगह पे क्या करेंगे, टैबी, बताओ टॉम कैट का टैबी कैट, ठीक है। अच्छा चेयरमैन का चेयरपर्सन बिली गॉट, बिली बेटा बिली की जगह पे बिली गॉट है, बिली गॉट का क्या बनेगा, नैनी गॉट, क्या बनेगा, नैनी गॉट, तो बिली गॉट की जगह पे बिली की जगह पे क्या बनता है, नैनी से बनता है। फिर पीकॉक का पीहेन, ही कैट का शी कैट, बैचलर का स्पिनस्टर, बैचलर का स्पिनस्टर, बैचलर कोई लड़का कुंवारा है और कोई लड़की कुंवारी है, स्पिनस्टर होगा। एंड विजार्ड का, विजार्ड जादूगर को कहते हैं और वो जादूगर जो कैसा भी जादू कर सकता है खराब, और एक इसका होता है विच, और ये विच जो है विच, W for witch, witch जो है वो किसके लिए आता है, जादूगरनी और काली जादूगरनी के लिए, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, इफ समवन दो कोई किसी को जादूगर कह देता है तो ये पॉजिटिव भी लगता है, लेकिन विच कहने के बाद ये नेगेटिव वर्ड जाता है, राइट। एंड
ड्यूक का डचेस हो गया, और जेंडर का क्या, गैंडर का क्या होता है, गूस बन, गैंडर का गूस बन, पिछली बार से ये पूछा था, हाँ गैंडर का गूस पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो क्या होता है कि ये जो हमने पढ़ा जेंडर, जो हमने जेंडर पढ़ा, नाउन का हमने जेंडर जो पढ़ा, इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर हमने क्या सीखना है, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और यहाँ पर वो जेंडर्स मालूम कर लेता है, या तो वो वर्ड मीनिंग में वोकैब में दे देता है, या सेंटेंस के जरिए मालूम कर लेता है, मिसमैच में ना, इसमें जो चार में से आ गए, है ना। तो वी हैव टू लर्न इट वेरी वेल, एंड दिस इज द वीडियो, आई थिंक दिस इज वेरी इनफ टू अंडरस्टैंड, बट लर्न करने के लिए वीडियो काफी नहीं है। जो मैंने वर्ड बोले वो याद होने चाहिए, उसके अलावा जो मेरी किताब में वो याद होने चाहिए, उसके अलावा जो बहुत सारों की किताब है वो भी याद होने चाहिए, गूगल पे से याद होना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एवरीवेयर। नाउ वी विल लर्न सम लिस्ट ऑफ द वर्ड्स जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेफ्यू का नीस, हॉस्ट का होस्ट का होस्टेस, स्टीवर्ड का स्टीवर्डिस, मंक का नन, बैचलर स्पिंस्टर, ड्रेक डक, और हम डक सुनते हैं बतख, और लेकिन वो क्या होता है, फीमेल होता है, उसका जो मेल है वो क्या है, ड्रेक है। टॉम का टैबी या क्वीन, बोर का सो, गैंडर का गूज, मिल्कमैन का मिल्क मेड, जेंटलमैन का लेडी, स्टैग हेंट, स्टेलियन इस लाइक अ हॉर्स, मैर होगा इसका, ड्रोन का बी होगा, विडो का विडोवर होगा, ऑथर का ऑथरेस होगा। ऑथर हम ज़्यादातर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑथर में जो आर से पहले वाला ओ है क्या वो ड्रॉप होता है, नहीं वो ड्रॉप नहीं होता। ज्यू इट्स अ रिलीजन, रिलीजियस पीपल हैं यहूदी, ज्यूएस होता है। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, बग का डो होता है।